स्वागत करते हैं आपका हमारे आज के विचार विमर्श में, जिसका विषय है, क्या भारत सरकार को मांस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना चाहिए। भारत एक विविध संस्कृति वाला देश है, जहां विभिन्न धर्म और परंपराओं का सम्मान किया जाता है। मांस खाना भी इन्हीं परंपराओं में से एक है। मांस के सेवन का मुख्य कारण प्रोटीन और अन्य पोषक तत्व है, जो हमारे शारीरिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या यही सच है? मांस उत्पादन के कारण पर्यावरण पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। यह जलवायु परिवर्तन में बड़ी भूमिका निभा रहा है। कई लोग आहार स्वतंत्रता की बात करते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें खुद तय करने दिया जाना चाहिए कि वे क्या खाना चाहते हैं। लेकिन क्या हमारी खुद की मर्जी से ऊपर हमारे ग्रह के लिए सही क्या है? इसका विचार नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों का मानना है कि मांस पर प्रतिबंध आतंकवादी कार्य होगा, इससे सामाजिक संरचना पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। जीव दया का विचार भी किया जा सकता है। पशुओं के पीड़ादायक वध के विरुद्ध आवाज उठाने की जरूरत है। दूसरी ओर किसानों और उद्योग की आर्थिक स्थिति पर भी प्रभाव पड़ सकता है। उनकी आजीविका खतरे में हो सकती है। कुछ लोगों का कहना है कि मांस पर प्रतिबंध लगाने से बजाय हमें स्वस्थ और संतुलित आहार के प्रति जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है। शायद एक पूर्ण प्रतिबंध के बजाय स्थिति को सुधारने के लिए अन्य उपायों को अपनाया जा सकता है। इस मुद्दे को लेकर सरकार और नागरिकों को मिलकर संवाद स्थापित करने की आवश्यकता है। हम सबको यह समझना चाहिए कि हमारे चुनाव हमारे ग्रह और हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए क्या मायने रखते हैं। समय आ गया है कि हम अपने कर्मों की जिम्मेदारी उठाएं और उन्नत समाज की ओर कदम बढ़ाएं। अंत में हम सबको यह